volcanic activity, atmospheric jet streams, ocean currents, और एनिमल माइग्रेशन रूट्स के क्रॉसरोड्स पर बसा है इंडोनेशिया। ये है लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स। ये अर्थ पर बायोलॉजिकली सबसे डाइवर्स रीजन्स में से एक है और यहां अब तक के कुछ सबसे अजीब लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। अपने एंशियंट एंसेस्टर्स और आसपास के आइलैंड्स से आइसोलेटेड एनिमल्स और प्लांट्स अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ इवॉल्व हो गए, जहां इस इलाके के शानदार क्रीचर्स नजरों के सामने रहते हैं, वहीं उनके छुपे हुए हैबिटेट्स इंडोनेशिया के सीक्रेट वर्ल्ड्स बनाते हैं। इंडोनेशियन आर्किपेलागो साउथ ईस्ट एशिया में है। यह वर्ल्ड के जियोलॉजिकली सबसे वोलेटाइल रीजन में से एक है। ये आइलैंड्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पूरे साउथ वेस्टर्न एज तक फैले हुए हैं, जहां बैंड ऑफ वॉल्केनोज और जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस हैं। ये लैंड्स उन अनस्टॉपेबल फोर्सेस की देन है जो इन शांत समुद्रों के सरफेस के थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स नीचे हैं। चार अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स मिलियंस ऑफ इयर्स से एक दूसरे के साथ टकराती और रगड़ती आ रही हैं, जिससे अर्थ ऊपर उठी और 17,000 से भी ज्यादा वाइल्ड और डाइवर्स आइलैंड्स बन गए। वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स लगातार याद दिलाते रहते हैं कि इंडोनेशिया की फाउंडेशंस कितनी अनस्टेबल है। समय के साथ साथ इन आइलैंड्स पर ऐसे अनोखे एनिमल्स की भरमार हो गई जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अर्थ के लैंड मास का सिर्फ 1% ऑक्यूपाई करने के बाद भी इंडोनेशिया वर्ल्ड में मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, जहां पूरी दुनिया के सारे मैमल्स और प्लांट्स का 1/8 और सारी बर्ड स्पीशीज की 1/5 वैरायटी यहां रहती हैं। शायद सबसे कमाल की बात यह है कि इन आइलैंड्स पर रहने वाले एनिमल्स इतने इवॉल्व हो गए कि पहचान में ही नहीं आते। उन्होंने नेचर के इतने सारे रूल्स को कैसे झुटला दिया, ये इंडोनेशिया की ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। करीब 800,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और यह कंट्री के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट्स में से एक से ढका है। इन ग्रेट कैनोपीज के नीचे बसे इस घने जंगल में छुपे हुए डेंजर्स हैं। इन डेलिकेट व्हाइट वर्ल्ड्स के इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। धीरे धीरे हिलता ये क्रीचर हवा में लहराते प्लांट जैसा लगता है। लेकिन धोखा मत खाइए, ये कार्निवोरस किलर है। एक इंसेक्ट के लिए
ऑर्किड्स स्वीट नेक्टर का खजाना होते हैं और ऑर्किड मैंटिस इस लालच का फायदा उठाने के लिए इवॉल्व हो गया है। इसने ऑर्किड्स के मूवमेंट और अट्रैक्टिव कलर्स की नकल करके परफेक्ट कैमोफ्लैश को तैयार कर लिया। अब ये फ्लाई नहीं बच पाएगी। ये डेडली किलर्स अक्सर पहले अपने विक्टिम्स के ज्यूसी हेड को खाते हैं और फिर फ्लावर के भूखे आसपास आने वाले किसी भी क्रीचर का शिकार करते हैं। इंडोनेशिया का ईस्टर्न एज कंट्री का फाइनल फ्रंटियर है। न्यू गिनी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। दूसरे कॉन्टिनेंट से एक अनोखा लिंक जंगल की वाइल्ड लाइफ में साफ दिखाई देता है। ट्री कैंगरूज मस्यूपियल फैमिली के मेंबर्स हैं जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये नेबरिंग आइलैंड से कई लिंक्स में से सिर्फ एक हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से यहीं पर रह रहे हैं। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 8000 साल पहले तक जुड़े हुए थे। लास्ट आइस एज के खत्म होने के समय बढ़ते हुए सी लेवल से लो लाइंग लैंड में पानी भरने लगा और टॉरेस स्ट्रेट बन गया, जिसने न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को दो बड़े बड़े लैंड मैसेस में अलग कर दिया। और यहां रहने वाले जानवरों को भी बांट दिया, जिनमें से कुछ सिर्फ रात में निकलते हैं। शुगर ग्लाइडर्स, इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे स्वीट नेक्टरीन फ्रूट्स और ट्री सैप पसंद है। सिर्फ 14 सेंटीमीटर लंबे ये छोटे से मार्सुपियल्स करीब 7 मेंबर्स के फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं और हालांकि देखने में ये क्यूट लगते हैं, पर अपने इलाके में किसी इंट्रूडर के आने पर बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं। शुगर ग्लाइडर्स बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं, जिन्हें क्रिकेट्स खासकर पसंद होते हैं। इन इंसेक्ट्स में बहुत प्रोटीन होता है और ग्राम फॉर ग्राम कंपेयर करें तो इनमें बीफ से ज्यादा आयरन होता है। ये एक बहुत अच्छा शिकार है अगर ये उसे पकड़ सके। वो क्रिकेट के पास आने का वेट करते हैं और फिर झपट्टा मार लेते हैं। लेकिन इन पेड़ों पर अकेले यही शिकारी नहीं है। ग्रीन ट्री पाइथन्स भी न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं। समुद्र से 150 किलोमीटर दूर रहने वाले इस पाइथन ने शिकार की नियत से एक और भटके हुए एनिमल को देख लिया है। कई स्नेक्स की तरह ग्रीन ट्री पाइथन्स भी कई महीनों तक बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन वो इस गोल्डन चांस को नहीं छोड़ सकता।
दो मीटर तक बढ़ने वाले ये स्नेक्स कैनेपी में आराम से घूम सकते हैं। अपनी प्रीहेंसाइल टेल की वजह से वो ब्रांचेस को आसानी से पकड़ लेते हैं। इन स्नेक्स में जहर ना होने की वजह से ये अपने शिकार को पूरा खाने से पहले उसे जोर से जकड़ लेते हैं। और इस शिकार को मारने के लिए स्नेक को छुपकर काम करना पड़ेगा। शुगर ग्लाइडर्स हमेशा किसी भी खतरे के लिए अलर्ट रहते हैं। ग्रीन ट्री पाइथन का कैमोफ्लाज कमाल का होता है, लेकिन शुगर ग्लाइडर्स के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वो किसी भी स्ट्रेंजर को उसकी सेंट से पहचान सकते हैं। पाइथन उसके पास पहुंच जाता है और हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन शुगर ग्लाइडर के पास बचने का रास्ता है। वो 50 मीटर दूर यानी एक फुटबॉल फील्ड के बराबर विड्थ तक ग्लाइड करने लायक इवॉल्व हो गए हैं। इस शुगर ग्लाइडर ने अपनी जान बचा ली। शायद अब इस पाइथन को अपने अगले शिकार के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पूरे इंडोनेशिया में आइसोलेशन की वजह से जंगल के क्रीचर्स में जबरदस्त डाइवर्सिटी आ गई। बोर्नियो में अकेले रहने वाले एक एनिमल को पता चला कि सिर्फ बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता। जंगल में बहुत अंदर से एक मिनी जायंट निकला। ये पिग्मी एलिफेंट्स हैं जो सिर्फ बोर्नियो पर पाए जाते हैं। ये अपने एशियन कजिन से प्लम्प और छोटे होते हैं और सिर्फ 2.5 मीटर टॉल होते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे छोटे एलिफेंट्स हैं और आइलैंड की लाइफ को अडेप्ट करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बहुत कम रिसोर्सेस और छोटे इलाके की वजह से पिग्मी एलिफेंट्स थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस के दौरान छोटे हो गए, लेकिन फिर भी ये बोर्नियो के सबसे बड़े मैमल्स हैं। नदी के पास सारे एलिफेंट्स इकट्ठा होते हैं, जिनमें रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एक साथ हरी भरी घास खाने का मजा उठाते हैं। एलिफेंट्स अपनी फैमिली के बहुत करीब माने जाते हैं और उनके सोशल बॉन्ड्स हमारे जितने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर एलिफेंट की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, इसलिए उनमें क्लैशेस हो सकते हैं। ये दुश्मनी रखने के लिए भी जाने जाते हैं। सब अपने फेवरेट पास टाइम में बिजी हो जाते हैं। यानी मड में लोटना। मड बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल सोर्स है जो डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करती है और सनस्क्रीन और इंसेक्ट रेपेलेंट का काम भी करती है। मिट्टी में नहाने के बाद
नदी में तैरना ट्रॉपिकल हीट से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका है। यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, इसलिए पानी में इनके भारी भरकम शरीर को काफी रिलीफ मिलता है। पिग्मी एलिफेंट्स कमाल के स्विमर्स होते हैं, लेकिन नदी से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ यंग मेंबर्स के लिए नदी के किनारे पर चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन बड़ों का थोड़ा सहारा लग जाए तो बात बन जाती है। बोर्नियो की नदियां आइलैंड पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक वाटरवेज का नेटवर्क बनाती जाती हैं। ये नदियां जंगल के मिलियंस ऑफ एनिमल्स की लाइफलाइन हैं, जो उन्हें फूड, शेल्टर और हाईवे भी देती हैं। कुछ को वो छुपने की जगह भी देती हैं। इस नदी में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। कैंटोर सॉफ्ट शेल टर्टल दूसरे टर्टल से एकदम अलग है। इसका शेल असल में रिब्स से बना है, जो स्किन की रबरी शील्ड के नीचे एक साथ जुड़ी हुई है। ये टर्टल लेंथ में 2 मीटर तक बढ़ सकता है और इसका वेट लगभग एक इंसान जितना होता है। ये फिश खाता है और छुपकर अटैक करने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन इसके लिए कैंटोर सॉफ्ट शेल टर्टल को पेशेंस रखना होगा। ये शिकारी अपना 95% टाइम रेत और मड में छुपे रहकर बिताता है और एक दिन में सिर्फ 2 बार सांस लेने के लिए निकलता है। सैंड पार्टिकल्स जैसी आंखें और नॉस्ट्रिल्स होने की वजह से वो गायब हो जाता है और सही मौके का वेट करते हुए जरा भी मूव नहीं करता। ये कोबरा से भी तेज स्ट्राइक कर सकता है। इसकी बाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हड्डी तोड़ सकती है। इन मर्की वाटर्स में रहने की वजह से कैंटोर्स सॉफ्ट शेल टर्टल में मिलियंस ऑफ इयर्स से कोई चेंज नहीं आया है। यहां बोर्नियो में सिर्फ रिवर बेड की डेप्थ्स में ही हमेशा आइसोलेटेड एनिमल्स नहीं रहते, बहुत हाइट पर भी सीक्रेट वर्ल्ड्स का बसेरा है। जंगल कैनोपी इस लैंडस्केप को डोमिनेट करती है। यहां पेड़ 80 मीटर्स की हाइट तक पहुंच सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ रेन फॉरेस्ट के ग्रेटेस्ट एक्रोबैट्स के खेलकूद करने की परफेक्ट जगह है।
Bonnie and Gibbons. ये प्राइमेट्स कॉम्प्लेक्स फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं, जिसका लीडर एक अडल्ट पेयर होता है। एनिमल किंगडम में गिबन्स सबसे फेथफुल प्राइमेट्स में से हैं। ये दिन का अपना ज्यादातर समय जंगल की कैनोपी में फ्रूट ढूंढते हुए बिताते हैं और पहुंचने में सबसे मुश्किल जगहों से भी खाना हासिल करने की कमाल की स्किल्स इवॉल्व कर ली है। बॉर्नियो के गिबन्स 50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से जंगल में मूव करते हैं। स्पेशली अडैप्टेड शोल्डर जॉइंट से वो एक से दूसरी ब्रांच पर होते हुए दूर तक जा सकते हैं। और उनके मजबूत हुक जैसे हाथ उन्हें पकड़ने में मदद करते हैं। लंबी पावरफुल टांगों से वो डालियों से जंप कर लेते हैं। ये 10 मीटर से ज्यादा वाइड गैप्स को जंप करके पार कर सकते हैं। ये जमीन पर कभी कभार ही कदम रखते हैं और जंगल के असली जिमनास्ट्स हैं। इंडोनेशिया की आइलैंड चेन के बीच में ऐसी रिमोट वाइल्डलाइफ शेल्टर है जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। स्पाइडर जैसी आउटलाइन वाला सुलावेसी 5 अनोखे ओशन बेसिन से आइसोलेटेड है। इसके 4 पेनिनसुलास जंगल से भरे पहाड़ों से ढके हैं और किनारे पर जैगेड कोस्ट्स और रिमोट बीचेस हैं। इसका अजीब अपीयरेंस इसकी फॉर्मेशन से समझाया जा सकता है। ये आइलैंड उन लगातार होने वाले जियोलॉजिकल कोलिजन से बना जो टेक्टोनिक प्लेट्स और छोटे आइलैंड्स के बीच हुए। सुलावेसी में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और ये वास्ट माउंटेन रेंजेस और जंगल के ऐसे इलाकों से बटा हुआ है जिन्हें पार करना इम्पॉसिबल है। अलग अलग तरह के ढेरों एनिमल हैबिटेट्स और इतने आइसोलेशन की वजह से सुलावेसी में एंडेमिक एनिमल्स की भरमार है, मतलब उनमें आधे से ज्यादा वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते। रेड नॉब्ड हॉर्नबिल सुलावेसी और उसके आसपास के आइलैंड्स में अनोखे हैं और ये मेल एक इंपॉर्टेंट मिशन पर है। कई हफ्तों से फीमेल इस पेड़ की कैविटी के अंदर बंद थी, एक खुद का बनाया जेल जिसे उसे और उसके पार्टनर ने उगले हुए फूड, फीसीज और फेदर्स के क्ले जैसे मिक्सचर से तैयार किया था। अपने खुद के बनाए जेल के अंदर वो अपने 2 बच्चों को पालती है और खाने के लिए पूरी तरह मेल पर डिपेंड रहती है। उसका पार्टनर सुबह इकट्ठा किए खाने को वापस आकर उगल देता है। फिग्स उनकी बेसिक डाइट का हिस्सा है। मेल और खाना लाने के लिए उड़ गया। वो पूरे दिन खाना ढूंढता है
और सबसे अच्छा फ्रूट ढूंढने के लिए 15 किलोमीटर तक उड़ता है। ये एक दूसरे को लेकर बहुत फेथफुल होते हैं और जंगल के इस इलाके में और बच्चों को पालने के लिए हर साल वापस आते रहेंगे, वो भी इसी पेड़ पर। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से अनडिस्टर्ब्ड, ये वर्ल्ड के कुछ सबसे अनछुए रेन फॉरेस्ट हैं। इस लॉस्ट वर्ल्ड में आइसोलेटेड बर्ड्स में बहुत शानदार फीचर्स और फेदर्स इवॉल्व हो गए हैं। सबसे ज्यादा कलरफुल बर्ड्स इंडोनेशिया में हैं। ये है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। 39 अलग अलग स्पीशीज के इस ग्रुप की पहचान है उनके एकदम अनोखे लुक्स, एक से बढ़कर एक शानदार कलर्स का मिक्स, फेदर्स और अजीब बिहेवियर। इस आइलैंड पर पेड़ों पर उछल कूद मचाते प्राइमेट्स ना होने की वजह से जंगल की कैनेपी पर इन बर्ड्स का राज है। इतने सालों में वो इनका स्टेज बन गई है। इस मेल मैग्निफिसेंट राइफल बर्ड की चमकती चेस्ट ही सिर्फ इस बात का इशारा है कि यूजुअली इस ऑर्डिनरी सॉन्ग बर्ड में कुछ तो खास है, लेकिन एक फीमेल के आसपास होने पर वो एक्शन में आ जाता है और ऐसा कुछ करता है जो अर्थ पर सबसे अजीब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेटिंग रिचुअल्स में से एक है। इसकी कोरियोग्राफी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से डेवलप होती आ रही है, जो एक से दूसरी जनरेशंस को पास की गई, और ये उसकी रिहर्सल दूसरे मेल्स के साथ बचपन से करता आ रहा है। इसकी पर्च तक खासकर ऐसी चुनी गई है जहां ज्यादा लाइट आ सके। इसका परफॉर्मेंस बहुत कैलकुलेटेड और बेहतरीन है और उसका असर होता लग रहा है। फीमेल देखने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो मेल के पोस्चर की नकल करती है इससे पहले कि मेल अपने डांस का फाइनल पार्ट पूरा कर सके। मेल की लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। फीमेल को ये राइफल बर्ड उतना मैग्निफिसेंट नहीं लगा। कुछ डांसर लेडीज का दिल कभी नहीं जीत पाते। इस आइलैंड पर बहुत कम प्रेडेटर्स होने की वजह से स्पीशीज के एवोल्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात पर टिकी है कि फीमेल ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। ये मेल इस उम्मीद से प्रैक्टिस करता रहेगा कि आखिर में उसे पार्टनर मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया के लैंड्स पर ही इतने अजीब तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। इस कंट्री में पूरे वर्ल्ड की 18% कोरल रीफ्स भी हैं। ,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा लंबी फ्रेंज इंडोनेशिया के आइलैंड्स को जोड़ती है। इकोलॉजिकली यह वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। पैपुआ के वेस्टर्न पॉइंट पर जो रीफ्स हैं, वो कोरल ट्रायंगल का एपिसेंटर हैं, यानी ऐसा एरिया जहां अर्थ पर सबसे ज्यादा कोरल डाइवर्सिटी है। यहां 600 से ज्यादा अलग अलग टाइप्स की कोरल फ्लरिश करती हैं, जो वर्ल्ड की टोटल कोरल्स का 76% है। भले ही ये देखने में अंडरवाटर प्लांट्स जैसे लगे, पर ये वास्ट माउंट्स असल में नन्हे नन्हे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बने हैं, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। यहां पर
कोरल फिश की 2000 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। इतनी स्पीशीज अर्थ पर और कहीं नहीं है। इनका वर्ल्ड पानी में डूबा एक सीक्रेट है। और इस ट्रॉपिकल पैराडाइज को बनाने में इन्होंने हेल्प की है। ये शानदार व्हाइट सैंडी बीचेस भी कुछ इसी तरह बने हैं। पैरट फिश कुछ भी खा लेती हैं। ये एल्गी की तलाश में अपने शार्प चोंच जैसे दांतों से रॉक और हार्ड कोरल काटकर खाती रहती हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो फाइन सेडिमेंट की तरह बाहर निकलता है, जिसे सैंड के नाम से जाना जाता है। हर फिश एक साल में 90 केजीस तक रेत निकाल सकती है। रीफ के बॉर्डर पर सैंड फ्लैट्स गहराई तक फैले हुए हैं। यहां भी क्रीचर और कोरल के बीच फर्क करना मुश्किल हो सकता है। पानी में लहराते हुए देखकर कोई भी इन्हें सी ग्रास के ब्लेड्स समझने की गलती कर देगा। लेकिन पास जाते ही ये सब गायब हो जाते हैं। गार्डन ईल्स लेंथ में आधे मीटर तक ग्रो हो सकती हैं। ये अपने घर नैरो बरोज में बनाते हैं। जिनसे मोस्टली ये बाहर ही नहीं निकलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाने में लगे रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग करंट में फंस जाता है। ये अलर्ट क्रीचर्स अपनी ज्यादातर बॉडी हर समय अंडरग्राउंड रखते हैं और खतरा महसूस होने पर एक झटके में छुप सकते हैं। इन शैलो वाटर्स में एक और अकेला रहने वाला हर्बीवोर खाने की तलाश में है। ड्यूगोंग्स इंडोनेशिया के सीज में बड़े अजीब क्रीचर्स हैं और मैरीटाइम हिस्ट्री में इन्हें देखकर अक्सर गलती से मिस्टीरियस मरमेट समझ लिया गया। पास से देखने पर सच उतना एलिगेंट नहीं लगता। इनके मस्कुलर अपर लिप के नीचे छुपे हुए टस्क का एक छोटा सा सेट होता है, जिसे इन्होंने एंशियंट एंसेस्टर्स से इनहेरिट किया है। सरप्राइजिंगली इनके सबसे करीबी जीते जागते रिलेटिव लैंड पर पाए जाते हैं, एलिफेंट। ड्यूगोंग्स लेंथ में 3 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं और इनका वेट हाफ टन तक होता है। इस वाले ड्यूगोंग को बहुत भूख लगती है। ड्यूगोंग का फेवरेट खाना सी ग्रास होती है। ये एनिमल्स दिन के 8 घंटे ग्रेस करते हुए बिताते हैं, जिसमें 50 किलोस तक सी ग्रास खा जाते हैं। और एलिफेंट्स की तरह इनकी डेली हार्वेस्टिंग से और प्लांट ग्रो होने में हेल्प मिलती है। जैसे ही ये वेजिटेशन उखाड़ता है, सी बेड डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे छोटी फिश खींची चली आती हैं।
वो ड्यूगोंग के छोड़े हुए स्क्रैप्स को खाती हैं। लेकिन इन एक्वेटिक मैमल्स को सरफेस पर सांस लेने के लिए जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। हैवी बोन्स की वजह से ड्यूगोंग्स पानी में अपना वेट बैलेंस कर लेते हैं। अपने ऑक्सीजन इनटेक को एडजस्ट करके ये बड़ी आसानी से उठ और गिर सकते हैं। सोते हुए भी इस मेल को सांस लेने के लिए नींद में सरफेस पर वापस जाना पड़ेगा। इसे लगातार खतरे पर नजर रखनी पड़ती है। इंडोनेशिया के ओशियंस के ब्राइट कोरल गार्डन्स अंधेरा होने के बाद खतरनाक हो जाते हैं। दिन ढलते ही रीफ के ग्रेजर्स को छुपने की जगह ढूंढनी पड़ती है। अंधेरा होने के साथ ही खुद रीफ भी कार्निवोरस बन जाती है और खाने का कंपटीशन शुरू होने वाला है। जू प्लैंकटन कहे जाने वाले नन्हे नन्हे ड्रिफ्टिंग क्रीचर्स को खुद कोरल खा जाता है। पैरट फिश ने रात काटने की जगह ढूंढ ली, लेकिन सोने से पहले उसे एक रिचुअल पूरा करना है। यह फिश अपनी गिल्स के पास की ग्लैंड से म्यूकस निकालती है, जिससे कुकून बन जाता है। ये कोकून पैरट फिश को पैरासाइट से बचाएगा और इसके छुपने की जगह की भनक भी नहीं लगने देगा। एक घंटे में उसने अपना काम कर लिया और वो भी वक्त पर। व्हाइट टिप्ड रीफ शार्क्स रात में शिकार करती हैं और वो बहुत भूखी हैं। स्नेक लाइक बॉडीज और एक कोलैप्सिबल डॉर्सल फिन होने की वजह से ये बड़े आराम से टनल्स की मेज से होकर निकल जाती हैं। शिकार का पता लगाने के लिए ये रीफ में सेंट के ट्रेल्स फॉलो करती हैं। शिकार मिलने पर ये मिलकर काम करने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें ये स्ट्रे फिश को घेरकर उसे मार देती हैं। लेकिन ये प्रेडेटर्स और भी तरीके से फिश को पकड़ना जानते हैं। अगर शिकार इनसे छिप जाए तो इनके पास एक और सेंस होता है। इनके सिर पर मौजूद इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स एनिमल की बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता लगा सकते हैं। हल्के से हल्का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी, यानी डरी हुई फिश की हार्ट बीट जितना छोटा सिग्नल भी, उसकी छुपने की जगह का पता बता देगा। शार्क्स पास से गुजरती हैं और पैरट फिश जरा भी मूव नहीं करती।
लेकिन रात के इन शिकारियों के सुपर सेंसेस के आगे पैरट फिश के बचने का कोई चांस नहीं। इंडोनेशिया के समुद्रों में कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। प्रेडेटर्स इवॉल्व होकर सक्सेसफुल हंटर्स बन गए और उनके शिकार को छुपना सीखना पड़ा। बॉर्नियों के पत्तियों से ढके फॉरेस्ट फ्लोर पर धूप की कमी की वजह से रिसोर्सेस के लिए जबरदस्त कंपटीशन होता है। पिचर प्लांट मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी से निपटने के लिए दूसरे लिविंग क्रीचर्स से नरिशमेंट लेने के लिए इवॉल्व हो गया। और बहुत जल्द स्वीट नेक्टर की सेंट से अट्रैक्ट होकर आए इंसेक्ट को पिचर ने अपना पहला शिकार बना लिया। एक मौत डाइजेस्टिव एंजाइम्स के डेडली पूल में स्ट्रगल कर रहा है जो उसके टिश्यू को डिसॉल्व करने लगे हैं। भीगे और चिपचिपे विंग्स होने की वजह से वो उड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मौत क्रॉल करता हुआ किनारे तक पहुंच भी जाता है तब भी उसे पिचर प्लांट्स के टॉक्सिक रिजर्वुआ की वैक्सी वॉल्स पर चढ़ना पड़ेगा और किसी तरह अंदर की तरफ मुड़े हुए कांटों को पार करना पड़ेगा। वो बच नहीं सकता। अपनी पूरी लाइफ में पिचर प्लांट थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एम्फीबियंस और कभी कभी रैट को भी अपना खाना बना लेगा। ये उसके डेडली डिजाइन का कमाल है। यहां ग्रो होने वाली 15,000 अलग अलग प्लांट स्पीशीज में से 1/3 से ज्यादा अर्थ पर कहीं और नहीं पाई जाती। उनके बीच एक ऐसा किलर रहता है जिस पर किसी को शक नहीं होता। ये लीफी प्लांट डॉगबेन फैमिली का मेंबर है। ये बहुत टॉक्सिक होता है और अगर गलती से खा लिया जाए तो सबसे बड़े जानवर की जान भी ले सकता है। लेकिन इसका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि पॉइजनिंग होना बहुत मुश्किल है। इतना कड़वा होने के बाद भी एक क्रीचर ऐसा है जिसने लगता है ठान ली है कि वो पीछे नहीं हटेगा और वो है ट्री निम्फ कैटरपिलर। 12 अलग अलग स्पीशीज बहुत रिसोर्सफुल और अजीब इंसेक्ट्स के इस ग्रुप को बनाती हैं। ये कैटरपिलर पहले पत्ती की पॉइजनस सप्लाई रोकता है जिसके लिए वो टॉक्सिन्स ले जाने वाली स्टेम को काट देता है। कैटरपिलर पूरी तरह जहर से रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन उसने चालाकी से प्लांट के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लिया है। एक बिना जहर वाली डोज लेकर अब उसमें वो टॉक्सिन्स हैं जिससे प्रेडेटर्स दूर रहना पसंद करते हैं। अपनी 2 हफ्ते की इन्फेंसी के दौरान कैटरपिलर का साइज डबल हो जाता है। नेचर के सबसे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक की तैयारी शुरू हो जाती है। ये पत्ती पर एक सिल्क पैड बुनता है और अपने पीछे बने बार्ब्ड हुक्स से पत्ती पर लटक जाता है। एंजाइम्स कैटरपिलर के टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेते हैं जिससे उसके अंदर के ऑर्गन्स लिक्विड में बदल जाते हैं।
कैटरपिलर धीरे धीरे अपनी स्किन निकालता है और गोल्डन क्रिसलिस बाहर आ जाता है। कुछ वक्त बाद ये क्रिसलिस हार्ड होकर एक प्रोटेक्टिव कोकून बना देता है। दो हफ्ते बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनल स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। और धीरे धीरे ट्री निम्फ बटरफ्लाई बाहर निकलती है। ये आराम से अपने पेपर जैसे विंग्स सीधे करके उन्हें सुबह की धूप में सुखाती है। फाइनली वो अपनी पहली फ्लाइट लेती है। लेकिन यहां एक डेलिकेट इंसेक्ट की लाइफ में बहुत खतरे हो सकते हैं। हर मोड़ पर मुसीबत मुंह खोले खड़ी रहती है और अनहोनी हो गई। बटरफ्लाई और वीविंग स्पाइडर के जाल में फंस गई और स्पाइडर उसे खाने को तैयार है। बटरफ्लाई का मरना तय लगता है। लेकिन इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है और इस ऑब वीवर को बटरफ्लाई में कुछ गड़बड़ लगती है। वो बटरफ्लाई के फ्लैश से निकलती बिटर सेंट से पीछे हट जाती है। एक कमाल के ट्विस्ट में स्पाइडर अपने चंगुल से बटरफ्लाई को फ्री कर देती है। असल में बटरफ्लाई में वो टॉक्सिन्स अब भी थे जो उसने कैटरपिलर होने के वक्त कंज्यूम किए थे। और बीवर भूखी रह जाती है और ट्री निम्फ बटरफ्लाई सही सलामत अपनी दूसरी फ्लाइट लेती है। इस बार बिना किसी प्रॉब्लम के। कई तरह के प्रोडक्टिव हैबिटेट्स के अंदर आइसोलेटेड और छुपे इस शानदार आर्किपेलागो के एनिमल्स और प्लांट्स बहुत अनोखे ढंग से इवॉल्व हो गए हैं। इंडोनेशिया की बेहतरीन और डाइवर्स ज्योग्राफी ने अजीब बिहेवियर्स वाले क्रीचर्स को सपोर्ट किया जिन्हें बाहर की दुनिया ने बहुत ही कम देखा है। इन आइलैंड्स पर हर मोड़ पर मिस्ट्री और अननोन चीजें मौजूद हैं। आइलैंड्स की नदियों और ओशंस की छिपी हुई गहराइयों से लेकर जंगल की कैनपी की जबरदस्त ऊंचाइयों तक इंडोनेशिया के सीक्रेट वर्ल्ड्स में लाइफ फल फूल रही है।